हेलो दोस्तों, आज हम हाइपरलिंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाइपरलिंक है। तो पहले हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। यहाँ पे हम वो फार्मूला लिखेंगे। पहले जैसे हमने पैराग्राफ लिखना है, अगर हम 3x3 का मतलब 3 लाइन में 3 पैराग्राफ लाना है तो हम 3 × 3 करेंगे तो 3x3 का 3-3 लाइन का इंटर जैसे ही करेंगे ये टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। ये एक फार्मूला है। अब अगर हमें, मान लो हमने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है एक पूरे पेज का, और वहाँ पे हम एक दूसरे लेटर को दर्शाना चाहते हैं या हम उसकी जानकारी इस लेटर के माध्यम से देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक कोई सा भी एक शब्द जो विशेष शब्द है उसे हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे ये हेडर्स है, यहाँ पे जाके हम हेडर्स पे क्लिक पूरा सिलेक्ट करेंगे उसे हेडर्स को, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और सीधे हम हाइपर लिंक में चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यह है हाइपर लिंक। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सटिंग फाइल आर वेब पेज, उसके अंतर्गत करंट फोल्डर, और वहाँ पे हम, यहाँ पे खुल रहा है हमारा माय कंप्यूटर इस प्रकार से। तो जहाँ पे भी हमारी फाइल रखी है हम उस फाइल को अपने उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी फाइलें हैं।